हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट क्लासेज। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि रूट टू एक इरेशनल नंबर होता है। तो रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए किया क्या जाता है एक्चुअली में, कि कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट किया जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन मतभेद। एक्चुअली हम करते क्या है कि रूट टू को मान लेते हैं कि इरेशनल नंबर है, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा मानने के चलते कुछ गलत रिजल्ट आता है, जिसके आधार पर हम फिर कंक्लूजन बनाते हैं कि रूट टू को रेशनल नंबर माना ही नहीं जा सकता है। अगर ऐसा मानते हैं तो कुछ गलत रिजल्ट आता है और फिर हम कंक्लूजन बनाते हैं कि रूट टू को रेशनल नंबर नहीं बल्कि इरेशनल नंबर कहते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो कैसे किया जाता है? तो इसमें हम थोड़ा सा पहले ही एज्यूम करेंगे कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इफ पॉसिबल लेट रूट टू इज एन रेशनल, रूट टू इज ए रेशनल नंबर, ऐसा मान लेते हैं। मान लेते हैं कि रूट टू रेशनल नंबर है। नहीं मान रहे हो कि रूट टू इरेशनल है, तो मान लो कि रेशनल नंबर है, सिंपल सा बात है। तो चलो ऐसा मान के जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं क्या गलत रिजल्ट आता है। ठीक है, इफ पॉसिबल लेट रूट टू इज ए रेशनल नंबर, देयर फोर रूट टू कैन बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। और ए का मतलब क्या होता है बच्चा? आलू। बी का मतलब क्या होता है? बैगन। नहीं, ए का मतलब क्या होता है बच्चा? हेयर ए स्टैंड फॉर, ए एंड बी स्टैंड फॉर इंटीजर, मतलब यहाँ पे इंटीजर होता है। ठीक है, ए एंड बी वेयर, यहाँ पे लिख लेंगे, वेयर ए एंड बी, बी नॉट इक्वल टू जीरो आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर होता है, जहाँ ए एंड बी क्या होता है बच्चा? को प्राइम इंटीजर होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। अच्छा, को प्राइम इंटीजर के बारे में थोड़ा सा कहानी समझ लो। ए बी इंटीजर, ये तो समझ में आ रहा है। को प्राइम इंटीजर का मतलब क्या होता है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है वन के अलावा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया 9/16, यानी 9/16 और ज़्यादा कैंसल नहीं होगा, ये अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यानी 9 और 16 यहाँ पे को प्राइम इंटीजर है। 9 और 16 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज यहाँ पे 10/6 लिखता हूँ, तो 10 और 6 में कॉमन फैक्टर 2 अवेलेबल है। कैसे? ये भी 2 से जाएगा बच्चा 5 बार में, ये 2 से जाएगा 3 बार में। अब ये दोनों को प्राइम हो गए। को प्राइम इंटीजर का मतलब ये है कि ए और बी दो इंटीजर ऐसे हैं कि उनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ सपोज 16, नीचे ले लेता हूँ 25। देखा जाए तो 16 कंपोजिट नंबर है, 25 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। 16 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 16 और 25 ये दोनों क्या है बच्चा? ये दोनों के दोनों क्या है बताओ? ये दोनों के दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो रूट टू है इसको हमने ए बाई बी के फॉर्म में माना है कि ये आपका रेशनल नंबर है, ऐसा हमने माना है। पॉसिबल है तो ऐसा मान लिया, जहाँ ए एंड बी को प्राइम इंटीजर है, ऐसा है। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो भाई रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है। कोई भी नंबर रूट में है, स्क्वायर करो तो रूट हट जाता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने 9th में पढ़ा होगा बच्चा। इधर स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, टू को हम 2/1 लिख सकते हैं भाई, 2/1 मतलब सिंपली 2 ही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर 2 × b² ऐसा हो जाएगा। तो a जब इंटीजर है तो a स्क्वायर भी इंटीजर होगा। जैसे 4 इंटीजर है तो 4 का स्क्वायर 16 भी एक इंटीजर होगा। b इंटीजर है तो b का स्क्वायर भी इंटीजर होगा। क्लियर? अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। यदि किसी इंटीजर को दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ सपोज यहाँ पे 36, तो 36 को हम लिख सकते हैं बच्चा 3×12। एक इंटीजर को दो इंटीजर के प्रोडक्ट में मैंने लिखा,
तो ये वाला जो इंटीजर है 3 से भी डिविजिबल होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। ये तो सिंपल सा बेसिक फंडा है बच्चा। अगर किसी एक इंटीजर जैसे कि मैं 16 ले लिया और इसको लिख दिया 2 × 8, अगर एक इंटीजर को दो इंटीजर के प्रोडक्ट में लिखा गया है तो ये जो इंटीजर है 2 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा। ये समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे ए इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, स्क्वायर भी इनका इंटीजर होगा। तो एक इंटीजर ए स्क्वायर को दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है, यानी ए स्क्वायर को लिखा गया है 2 × b² b² भी एक इंटीजर होगा। इट मीन्स डैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। सिंपल सा, ए स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल बाई बी स्क्वायर, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बी स्क्वायर, वी आर इंटरेस्टेड ओनली अबाउट 2। 2 में हम लोग इंटरेस्टेड है। इन ए स्क्वायर 2 से क्या है बच्चा, डिविजिबल है। ए स्क्वायर 2 से क्या है, डिविजिबल है। तो एक थ्योरम है बच्चा, एक थ्योरम है कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर यदि किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो इट मीन्स डैट वो नंबर भी उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, 144। तो 12 के स्क्वायर 144 जो है किस किस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, क्या 5 से डिविजिबल होगा, क्या 7 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 4 से हम बात नहीं करेंगे, 6 से बात नहीं करेंगे, हम प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं पता है ना, जो 1 और खुद से डिविजिबल हो। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, यदि किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो थ्योरम यह कहता है कि वो नंबर भी उन प्राइम नंबरों से डिविजिबल होगा। यानी जो 12 है ये 12 भी 2 और 3 से देखो डिविजिबल होगा। अगर स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो वो नंबर भी 2 से देखो डिविजिबल है। 12 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। ये स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो व्हाट वी सी डैट 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो ये एक थ्योरम है, ठीक है, ये आपका बुक का एक थ्योरम है। रूट टू इरेशनल नंबर होता है, ये भी एक थ्योरम है। इसके पहले वाला जो थ्योरम है वो यही वाला थ्योरम है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर यदि किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो इट मीन्स डैट द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई डैट प्राइम नंबर। वो नंबर भी प्राइम नंबर से क्या होता है, डिविजिबल होता है। ये चीज क्लियर कर लो। सो हेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इट मीन्स डैट ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने बोला ए स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। देयर फोर इफ ए इज डिविजिबल बाई 2 इट मीन्स डैट ए इज एन इवेन नंबर। ए क्या होगा बच्चा, एक इवेन नंबर होगा। ए क्या होगा, एक इवेन नंबर होगा। देयर फोर ए कैन बी रिटेन एज 2 × m, ए कैन बी रिटेन एज 2 × m, where m is any integer, ठीक है। जैसे कि जब a इवन है बच्चा तो किसी भी इवन नंबर को 2 × something इंटीजर लिखा जा सकता है। जैसे 16 एक इवन नंबर है, इसको लिख सकते हैं 2 × 8। 50 एक इवन नंबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 25। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। जैसे कि 18 एक इवन नंबर है तो इसको 2 × 9 लिख सकते हैं। तो इफ ए इज डिविजिबल बाई 2 इट मीन्स डैट ए इज इवन नंबर। सो ए कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2 × m, वेयर m इज एनी इंटीजर, ठीक है। इसको बच्चा हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 और 2, बाई इक्वेशन 1 और 2, यानी जो ए का वैल्यू है इस इक्वेशन में रख देंगे। ये स्क्वायर है बच्चा, ए स्क्वायर है, तो इधर 2 है, 2/1 मतलब 2। ए का वैल्यू रखेंगे 2 × m, यानी ए का स्क्वायर है ना यहाँ पे, ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 2 × m का भी स्क्वायर होगा। और नीचे क्या बच्चा, बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b² इक्वल टू 4m², इट मीन्स डैट बी स्क्वायर इक्वल टू 2m² हो जाएगा। अगेन द सेम सिचुएशन अराइजेस,
जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चा, ए स्क्वायर को लिखा जा रहा था 2 इंटू समथिंग बी स्क्वायर। हेयर बी स्क्वायर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू समथिंग एम स्क्वायर। इट मीन्स दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू। इट ऑल्सो मीन्स दैट बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। यानी b भी 2 से क्या है बच्चा, डिविजिबल है। सो b कैन ऑल्सो बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू समथिंग इंटीजर r, वेयर r इज एनी इंटीजर, जहां r कोई इंटीजर है। तो अब जरा ध्यान से देखो बच्चा, यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, यानी a को भी हम 2 इंटू समथिंग m के रूप में लिख सकते हैं और b को भी लिख सकते हैं 2 इंटू समथिंग आर के रूप में। क्या रिजल्ट आया, हमने क्या माना था शुरू में यहाँ पे बच्चा, ए और बी क्या है को प्राइम है। और यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया कि ए और बी को प्राइम है ही नहीं, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन आ गया। को प्राइम किसे कहते हैं, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। एक तो सब में कॉमन होता है, तो एक की तो हम बात नहीं करते हैं, वन की हम बात नहीं करते हैं। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं था, बट वाट वी सी डैट कि ए और बी में 2 कॉमन आ गया, यानी ए और बी को प्राइम तो है ही नहीं। यानी जो दो नंबर को प्राइम थे, रूट 2 को ऐसा रेशनल नंबर मानने से वो को प्राइम अब नहीं रह रहे हैं, ये तो गलत रिजल्ट हो रहा है ना भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यानी तो जो दो नंबर को प्राइम थे, ए बी को प्राइम थे, लेकिन रूट 2 को जब रेशनल मान रहे हैं तो ए बी अब को प्राइम नहीं रह पा रहे हैं। तो इससे बड़ा गलत रिजल्ट क्या हो सकता है, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि रूट 2 को हम ए बाई बी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, रूट 2 को हम ए बाई बी के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इट मींस दैट रूट 2, तो यहां पे हम ऐसे लिख देंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। ये हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है भाई कि ए बी को प्राइम थे, और को अब ऐसा लिखने से क्या हो रहा है कि ए और बी को प्राइम नहीं रह पा रहे हैं, उनमें 2 कॉमन आ जा रहा है। ठीक है, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशंस, देयरफॉर रूट 2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। ठीक है, जब a बाई बी के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं तो फिर ये रेशनल किस काम का, क्योंकि रेशनल का तो करेक्टर क्या होता है, कोई भी रेशनल नंबर a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है 100% डेफिनेटली। बट हेयर क्या हो रहा है कि रूट 2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी। अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत रिजल्ट आ रहा है। इट मीन्स डैट हम रूट 2 को a बाई बी के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। जब लिख नहीं सकते हैं तो रूट 2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए बाई, देयरफॉर रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ बच्चा, रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, इट इज क्या बच्चा, इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।